सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास। जराए के मुताबिक आर्टिकल 63 पर नजर रसानी दरख्वास्तें 30 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जहां से बवासी से इस हवाले से बात करेंगे जी, जहां से अपडेट शेयर कीजिएगा। देखिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ और जराए के मुताबिक इस इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह जजेस कमेटी में शिरकत किए बगैर रवाना हो गए और चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस इजलास में शिरकत की, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने तरमीमी ऑर्डिनेंस के ऊपर जराए के मुताबिक तहफ़ुज़ात का इजहार किया है। इस इजलास में ये फैसला हुआ है कि आर्टिकल 63A रिव्यू जो पिटिशंस हैं उनको 30 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायजीसा 5 रुकनी बेंच के सरबराह होंगे। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान बंदोखेल, जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल शामिल हैं। इसी तरह से ऑडियो लीक्स केस के लिए भी 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है और इसमें बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह इस बेंच के सरबराह हैं, जबकि दीगर जजेज में जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान बंदोखेल और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब शामिल हैं। और ऑडियो लीक का जो केस है ये जराए कह रहे हैं कि आइंदा अदालती हफ्ते में ये केस समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया जहां से बबासी।